हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बिजनेस आइडिया सीखो में आपका स्वागत है। हम जो आज बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पर बहुत सारी वीडियो बन भी चुकी हैं, बहुत सारी बन भी रही हैं और आगे भी बन भी रही, बट इस बिजनेस के बारे में फुल्ली सच्चाई और पूरा का पूरा आपको हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या करेंगे तो क्या प्रॉफिट होने वाला है, आपको रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा, और आप अगर मार्केटिंग करते हैं तो कैसे आपको घाटा हो सकता है, ये भी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। बहुत सारे लोग बिजनेस तो करते हैं और बिजनेस करने के बाद जो है लगभग 90% लोग फेल हो जाते हैं, तो फेल होने के कारण क्या है, इन चीजों पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जो मशीन के बारे में आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो है वायर नेल मेकिंग मशीन। वायर नेल मेकिंग मशीन एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा मशीन, एक ऐसा बिजनेस जिसको करके आप जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे आप अपना नाम बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वायर नेल है, यानी कि कील, कील यानी कि कांटी, इसको बनाने वाली मशीन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये कील है, इस तरह के कील्स होते हैं, छोटे बड़े जिस तरह के कील्स बनाने होंगे वो कीले जो है ओनली वायर नेल में ही बनेंगे। तो इसी के बारे में हम पूरा का पूरा आपको डिस्क्राइब करेंगे कि ये मशीन आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सारा कुछ। तो आइए हम देखते हैं इन मशीनों के बारे में। तो वायर नेल मेकिंग मशीन जो है कील बनाने वाली मशीन होती है, जिसमें आपको वायर कच्चा रॉ मटेरियल फैक्ट्री से लेना होता है। अगर आप फैक्ट्री से कच्चा रॉ मटेरियल उठाते हैं और वो कच्चा रॉ मटेरियल आप मशीन में देते हैं तो इस तरह के नेल बन जाते हैं। अब ये मशीन हो गया नेल बनाने वाली, जैसे कि वायर नेल आपका एक मशीन से बन गया जिसको वायर नेल मेकिंग मशीन बोलेंगे। इसके बाद दूसरा जो मशीन होता है वो है आपको पॉलिशर। जैसा कि आप अगर इसमें देख रहे होंगे बहुत सारे जंग वाले भी आपको कीले दिख रही होंगी, अगर ये कीले जब जंग लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा काले पड़ जाते हैं तो इनको जो है पॉलिशर मशीन में डालना होता है। पॉलिशर मशीन वो मशीन होता है जिसमें इसको पॉलिश किया जाता है, और पॉलिशर मशीन में पॉलिश करने के लिए जो है अगर 300 केजी या पॉलिशर मशीन में डाल रहे हैं इस माल को, तो उसमें लगभग 4 से 5 केजी लकड़ी के बुरादे डालने होते हैं। यानी कि पॉलिश करने के लिए ना कोई केमिकल की जरूरत होती है और ना ही कोई अलग तरीके से और कोई अलग चीज की जरूरत होती है, यानी कि ओनली जो है लकड़ी के बुरादे अगर उस पॉलिशर में आप डालते हैं तो वो आपका कील को पॉलिश कर देता है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है और जो थर्ड मशीन है वो है आपका ग्राइंडर। ग्राइंडर मशीन वो मशीन होता है जो कि आपके डाइयो को धार देता है। कील का जो नुकीला भाग ये जो दिखाई दे रहा है, ये नुकीला भाग जो है आपका डाई से बनता है, जो कि इस तरह की डाई होती है, जैसा कि ये डाई देखते हैं, देख रहे हैं, और इसी डाई से जो है ग्राइंडिंग किया जाता है, कटर होता है। और ग्राइंडर क्या काम करता है कि इसी कटर को जो है धार देने का काम करता है। यानी कि अगर आप वायर नेल मशीन लेते हैं तो आपको पॉलिशर और ग्राइंडर लेना मस्ट हो जाता है, और ये धार जो देने का काम करता है वो ग्राइंडर। यानी कि अगर 24 से 48 घंटा आप मशीन चला लिए तो फिर आपको इसको जो है धार देना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो है ये जो देख रहे हैं ये डाई है, ये डाई का काम क्या है कि जितना नंबर का आप कील बनाएंगे उस नंबर के अनुसार ये डाइया होती है। 12 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, इस तरह की ये डाइया होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हर तरह की डाई और डाई का साइज है, इसमें बहुत सारी डाइया है, आपको 10 नंबर भी है, 12 नंबर भी है, 14 नंबर भी है, 18 नंबर भी है। यानी कि अगर पतला कील, जैसा कि आप ये देख रहे हैं इस तरह के पतले कील अगर आपको बनाने हैं तो आपको दूसरे डाई की, छोटे डाइयों की जरूरत पड़ती है। अगर आपको इस तरह के बड़े कील बनाने हैं तो उस तरह की डाइयों की जरूरत पड़ती है। अगर इस तरह के कील बनाने हैं तो अलग डाइयों की जरूरत है। यानी कि जिस तरह के कील बनाने हैं उसके अनुसार आपको जो है अलग अलग डाइयों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके अलावा ये जो टूल देख रहे हैं ये भी आपके नज़रों में आ रहा होगा कि ये टूल का क्या काम है, तो ये डायमंड टूल है जो आप ग्राइंडर लेंगे उस ग्राइंडर को हल्का सा शेप देने का ये काम करता है। इस टूल के बिना आपके ग्राइंडर का शेप नहीं आ पाएगा, इसलिए इस टूल को भी अलग से लेना नेसेसरी हो जाता है। तो
तो हम इस चीज को प्रोसेस को समझ रहे थे कि हमें कौन कौन सी मशीनें लेनी होंगी। इस तरह से आपने देखा कि हमें मिनिमम 3 मशीनों की जरूरत पड़ती है, वायर नेल मेकिंग मशीन, पॉलिशर मशीन और ग्राइंडर मशीन। अब ये हो गया हमारा कि हाँ मशीन हमारा कौन कौन सा नीड है। अब आते हैं हम अगले सेशन की तरफ कि हमें ये बिजनेस से प्रॉफिट क्या होने वाला है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर ये मशीन आपको बैठाते हैं और जितना अमाउंट में आपको लग रहा है मशीन में, उतना ही अमाउंट आपको अपने पैकेट में रखना होगा रॉ मटेरियल के। यानी कि अगर रॉ मटेरियल आप उठाते हैं तो 500 केजी और 1000 केजी अगर आप उठाते हैं तो बिल्कुल भी ये बिजनेस करना बंद कर दीजिए। आप बिजनेस इसको करने से आपको नुकसान ही होने वाला, क्योंकि 500 और 1000 केजी अगर आप माल उठाते हैं तो आप एक लोकल मार्केट से खरीदेंगे और लोकल मार्केट में ऑलरेडी वायर का रेट आपको महंगा मिलेगा, 2 से 3 रुपया फैक्ट्री के रेट से। उसके अलावा अगर उसको आप अपने घर पे ले जाते हैं तो आपका खर्च जो है डबल हो जाता है, यानी कि जो किराया लगेगा वो भी आपको अच्छा खासा लगने वाला है। तो इस तरह से आपको जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग पड़ जाती है। अब इसमें जो है अगर वायर नेल आप फैक्ट्री से खरीद के वायर और नेल अपने डायरेक्टली घर पे मंगा के और बनाते हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 रुपए का डिफरेंस आएगा मार्केट के वायर से। और मार्केट के वायर से अगर 5 से 6 रुपए के आपके पास डिफरेंस आ रहा है तो समझ लीजिए कि वही आपका प्रॉफिट है। यानी कि कम से कम माल अगर फैक्ट्री से आपको उठाना है वायर तो मिनिमम 5 टन आप माल उठाएंगे तभी जाके आप प्रॉफिट में आएंगे। और केजी पे प्रॉफिट का जहां तक बात है, केजी पे आप इसमें मिनिमम 5 से 6 रुपए कमा सकते हैं, मैक्सिमम 1-2 रुपए और प्लस होगा, यानी कि 7 से 8 रुपए तक जाएगा। यानी इससे ज्यादा इसमें उम्मीद हम नहीं रख सकते। अगर इस बिजनेस को करना है तो आपको एक मिनिमम मार्जिन, इसलिए कि इंडस्ट्रियल लेवल का ये बिजनेस है तो इसमें कम मार्जिन लेके ही चलना पड़ता है। अगर आप 4 नंबर की एक मशीन का मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो 4 इंची तक वायर नेल बनती है, इसमें 4 इंच, जैसा कि 4 नंबर वायर नेल जो आप देख रहे हैं इसका प्रोडक्शन 8 से 10 घंटे में लगभग 1000 केजी के आसपास आएगा। और अगर 1000 केजी आपका प्रोडक्शन पर डे हो रहा है और इसको पूरा का पूरा आप मार्केट में निकाल दे रहे हैं तो लगभग आपको डेली का प्रॉफिट 5 रुपया केजी पे लेके चलते हैं तो 5000 रुपये कहीं नहीं जा रहे, यानी कि महीने के 1.5 लाख रुपये तक आप कमा सकते हैं। बट ये तभी संभव है जब आप फैक्ट्री से डायरेक्ट माल वायर लें जो हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। अगर आप मशीन खरीदते हैं तो आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आप कहाँ से माल खरीदेंगे, कहाँ आप सेल करेंगे, ये सारी की सारी जानकारी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। इस तरह से आपने देखा कि हाँ कैसे इसमें प्रॉफिट होने वाला है या कैसे हमें नुकसान हो सकता है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। अगर इस मशीन को आपको खरीदना है तो नीचे दिए हुए नंबरों पे आप डायरेक्ट कॉल करके कंपनी से बात कीजिए और आपको सारी की सारी जानकारी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। आपको व्हाट्सएप पे जो है पूरा डिटेल्स भेज दिया जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट विजिट करते हैं तो आपको सामने में मशीनें दिखाई दी जाएंगी, आप मशीनें देखकर और पूरा संतुष्ट होके ही ये बिजनेस को करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।